हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज है 27 दिसंबर। आप सभी जानते हो कि इस महीना ख़त्म होने वाला है, 2023 ख़त्म होने वाला है, एंड इसके साथ साथ बहुत कुछ ख़त्म होने वाला है एंड बहुत कुछ नए शुरुआत भी होने वाला है। तो क्या है वो चीज़ बताएंगे आपको। जैसे कि हमारा पैकेज ख़त्म होने वाला है, जैसे कि हमारा ऑफ़र जो $93.50 ऑफ हो गया है ना, 143 से 50 ओ कॉइन्स ऑफ हो गया, $50 तो $93 है, तो वो वाला ऑफ़र भी 31 दिसंबर ख़त्म होने वाला है। बहुत सारा लोगों का पैकेज जो रिचार्ज है एक्सटेंड हुआ है 30 डेज़ का, उसका भी ये 30 डेज़ वाला रिचार्ज पैकेज भी ख़त्म होने वाला है। किसी का 31 दिसंबर, किसी का 1 जनवरी, किसी का 2nd, किसी का 3rd, किसी का 4th, ऐसे हर एक दिन कुछ ना कुछ किसी का ना किसी का ख़त्म होंगे। तो भी सबका एक ही टेंशन है कि क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा इसके बाद, क्या होगा सर आप बताओ। बहुत सारा मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप पर नॉर्मल कॉल, सभी जगह आ रहा है एक ही बात के, सर मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है और क्या होगा, किसी ने पूछ रहा है। तो देखो, रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, मुझे भी बताए, मेरा भी रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो बात ऐसे है कि आज क्या है बताओ, कल मोटी सर का लाइव आया था, आप जानते हो मर्टी सर क्रिस्टल लाइव आते, तो वहां पर आए थे एंड उन्होंने बताया ये कि जो आज जो ऑन पैसिव 360 होने वाला है ना, उसका लिंक ऑलरेडी इनविटेशन लिंक एस सर को भेजा जाएगा ऑब्वियसली, एंड उसके साथ साथ हमारे भी ऑब्वियसली हमको भी मिल जाएगा। जैसे कि onofounders.net है, वहाँ पर ऑन पैसिव 360 का आपको इनविटेशन लिंक मिल जाएगा। ओ फाउंडर का वेबिनार सेक्शन में, अपकमिंग वेबिनार सेक्शन में आपको ओ फाउंडर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑन पैसिव का लिंक मिल जाएगा, ऑन पैसिव 360 का, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो। इनविटेशन लिंक तो भेजा गया है सर को, लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा वो तो टाइम बताएगा, ठीक है। आज रात में जैसे होता है रात को 12:30 बजे से, ठीक है, तो आपको भी देखना है, देखते क्या होता है, आपको ऑब्वियसली बताएंगे। एंड आप भी ज़रूर कोशिश करना कि एस सर का अगर आए या नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ऑन पैसिव 360 को ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है। अभी मर्टी सर एंड क्रिस सर के साथ बात हो रहा था एस सर का, उन्होंने बोल रहे थे कि बहुत प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है, लास्ट जो थर्सडे था, ठीक है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे से लेके आज वेडनेसडे तक एक्चुअली इस एक हफ्ते में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जो काम मतलब बहुत सारा काम हो रहा था बैक एंड पे बैक ऑफिस में ढेर सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत सारा मतलब कुछ अटक रहा था वो सब हो गया, बिग डिसीजन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मर्टिसन ने बताया, ठीक है, बात हो रहा था सर के साथ, उन्होंने बताया कि ये मतलब बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस एक हफ्ते में, एंड बड़े डिसीजन भी लिया जा रहा है। ऑब्वियसली देखो, इतना आसान तो है नहीं, अगर कंपनी ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर दे, हाँ कंपनी अभी पब्लिक है, सब कुछ पब्लिक डोमेन पर काम हो रहा है, बहुत सारा कस्टमर्स जुड़े हैं, बहुत सारा कंट्री के साथ कोलेबोरेशंस है, बहुत सारा मतलब बिजनेस के साथ कोलेबोरेशंस है, वो लोग ओकानेट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं, हम नहीं खरीदे हुए बैठे हैं, सब लोग बाहर के बहुत सारा लोग से वो खरीद के बैठे, अगर वो भी लोग पर है, तो कोई डिसीजन लेने से पहले उनको सोच समझ के लेना पड़ता है, क्या करेगा ओकानेट को लेकर, नेक्स्ट एक महीने का क्या प्लान है, रिचार्ज कब तक आएंगे, नेक्स्ट प्रोडक्ट कब तक आएंगे, ये तो सब बताना पड़ेगा है ना। तो ये सब डिसीजन चल रहा है, आपको हमको बहुत जल्द ही इसके बारे में पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ नहीं बताएगा कैसे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है, आप जैसे सोच रहे वैसा नहीं है। ऑलरेडी 27 दिसंबर है, मुझे पता है आज 360 है, आज आने का चांस है, अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कल या परसों भी आ सकते, क्योंकि 1 जनवरी से मंडे होने वाला है, तो अभी भी 4 दिन बाकी है ना, 8, 28, 29, 30, 31, तो 4 डेज लेफ्ट, मतलब इस 4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे आ सकते हैं, बहुत कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, तो आपको इसके लिए प्लीज़ वेट करना पड़ेगा। एंड रिचार्ज के बारे में मैं नहीं बोलूँगा कि रिचार्ज कर लो, ये आपकी मर्जी है, आपकी अकाउंट है, आपकी फ्यूचर है, आपकी बिजनेस है, आप सोचो आपको क्या करना है, ऐसे हम बोल नहीं सकते, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, रिचार्ज कर लो, ये तो आपका ही भला है, तो फिर आप देखो आप क्या करना चाहिए आपको देखो। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ कि रिचार्ज करने के लिए आपका पैसा, मतलब आप रिचार्ज कर रहे हो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, अगर आप रिचार्ज नहीं करके
आपका कार्ड नहीं है, आप रिचार्ज नहीं करके क्या कर रहे हो, आपका पैसा जो है वो लोगों के पास दे रहे हो एंड उसके साथ साथ आपका आईडी पासवर्ड भी दे रहे हो, तो आपका आईडी खोने का किंतु बहुत ज़्यादा चांस है। ये दिमाग पे रखना है, वो आपका पैसा भी जाएगा साथ साथ आपका आईडी पासवर्ड का पासवर्ड भी जा सकता है, क्योंकि देखो वहाँ पर पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन है ना, जो पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन है वहाँ पर आप पासवर्ड डालोगे, न्यू पासवर्ड दो बार डालोगे तो पासवर्ड चेंज हो जाता है, तो ये एक लूपहोल्स है। एक्चुअली चेंज कोई भी कर सकता है अगर कोई पासवर्ड जान जाए तो, जो सही नहीं है मुझे लगता है अभी तो। अगर आपको रिचार्ज हो जाता है ना तो आप तुरंत तुरंत पासवर्ड चेंज कीजिए, जब आप बोलेगा कि हाँ आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है आपका अकाउंट सक्सेसफुल बाई हो गया, तो आप तुरंत आईडी पासवर्ड लॉगिन करो, फिर प्रोफाइल सेक्शन पे जाओ, जाके एडिट बटन पे देखना, वहाँ पर पासवर्ड चेंज का ऑप्शन है प्रोफाइल सेक्शन पे, तो वहाँ पे जाके प्रोफाइल सेक्शन से जाके पासवर्ड तो पहले चेंज कर लो, ठीक है। आप जो ओल्ड पासवर्ड था पहले वो डालना, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कॉन्फर्म, मतलब न्यू मतलब नए पासवर्ड एंड कन्फर्म मतलब फिर वही नए पासवर्ड और एक बार डाल दो, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो पासवर्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो आपका आईडी भी खो सकता है, क्योंकि अननोन पर्सन के पास आप पैसा भेज रहे हो जो सही नहीं है, एक दम सही नहीं है, बहुत गलत चीज़ है। कि आपको बहुत बार हम बोले हैं कि आप कोशिश करना कि एक अकाउंट खुलवा लो, खुद का नाम पे एक प्राइवेट अकाउंट ओपन कर लो, जो एक्सिस बैंक, ICICI है, इसके अलावा आपको HDFC है, कोटक महिंद्रा है, फेडरल बैंक है, बहुत सारा प्राइवेट बैंक है जिसमें से पेमेंट आपको आसानी से हो जाता है, तो वो सब बैंक से पेमेंट आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुद का कार्ड नहीं है तो दोस्त या रिश्तेदार के पास जाओ, जिसके पास कार्ड है पूछो, ऐसा नहीं कि ऑन पैसिव से लोग आके बोल रहे हैं सर कर लो, आप कहीं पर भी मैसेज देगा, कहीं पर भी मैसेज देगा, आप एक बार भी जानते भी नहीं हो उसको, फिर उसको पैसा भेज रहे हो और वो गायब हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जानना मांगता है कि हाँ आप जानते हो बहुत दिन से, बहुत सालों से, तो भी दिक्कत हो सकता है, रिस्क तो रहता ही है, ये बात हमेशा दिमाग पे आपको रखना है, फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि देखो एक अकाउंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, आपका एक ही अकाउंट है, वो भी अगर जीरो टीम वाले या टीम जो भी हो, एक ही अकाउंट है, तो उस अकाउंट का वैल्यू आपके बहुत बहुत बड़ा है, तो उस अकाउंट का वैल्यू को आप समझो, उसका वैल्यू को समझे हुए आप खुद कोशिश करो खुद रिचार्ज करने की, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक बात कहना चाहूंगा और कि देखो आपका अकाउंट है, आप समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे सेल मत किया करो। बहुत लोग मुझे देख रहे हो कुछ दिन से, मतलब अभी इतना ऐसे टाइम चल रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, बहुत सारे लोग तो ओपनली अकाउंट सेल का मैसेज कर रहा है कि सर मेरा आईडी सेल कर दीजिए, कोई बोल रहा है मतलब कॉमेंट पे आके बोल रहा है, या कोई फेसबुक में देख रहा हो बोल रहा है कि आईडी सेल है, या क्या क्या सेल कर रहे हो भाई, ये सेल करने का चीज़ है क्या? आपका आईडी नहीं चाहिए तो आप रिफंड विफंड ले लो, हाँ, तो आप ऐसे सेल मत किया करो, ठीक है। और इसका वैल्यू तो आप आज कल तो समझ ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ आज नहीं समझ रहे तो कुछ नहीं होने वाला, कल तो आप समझ ही जाओगे आईडी का वैल्यू क्या है, लेकिन ऐसे सेल मत किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, प्लीज़ वेट करो, ऑन पैसिव 360 का आज रात में होने वाला है, रात 12 बजे 12:30 बजे के करीब, प्लीज़ देखिए सब लोग, एंड कल सुबह में मैं इसका अपडेट भी दे दूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।